हेलो एवरीवन, मैं हूं आलमगीर और आप देख रहे हैं मेकिंग मनी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं, यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि अगर आज की इस वीडियो को आप समझ गए तो YouTube पर ग्रो होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी वीडियो को कौन लोग देखते हैं, आपकी वीडियो के ऊपर ट्रैफिक कहां से आ रहा है, और वो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं। बड़ा ही शानदार एप्लीकेशन है, यूट्यूब का एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि पूरी बातें आपकी समझ में आ सके। आप वीडियो को बीच में स्किप ना करेंगे बल्कि पूरी वीडियो देखें ताकि पूरी बातें क्लियर हो सके और कोई मिस्टेक ना रहे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से YT स्टूडियो नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ देखें, यह है एप्लीकेशन YT स्टूडियो, जो गूगल का एप्लीकेशन है, यूट्यूब का एप्लीकेशन है और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन अगर आप मोबाइल से काम करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर ज़रूरी है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बेशुमार और अनगिनत इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जिस ईमेल आईडी से आपने यूट्यूब चैनल बना रखा है उससे आप इसको साइन इन कर लेंगे, उससे इसको लिंक कर लेंगे, उसके बाद ये काम करना शुरू कर देगा। ये आपके हर चीज़ को बताएगा कि आपको आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और कितने उम्र के लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं और आपकी आपकी वीडियो किस तरीके से चल रही है। पूरी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक वॉच करें। यहाँ देखें, ऊपर देखें, ये तीन लाइन है, यहाँ पर कोने के अंदर देख सकते हैं आप, सॉरी, ये तीन लाइन देख सकते हैं। इस तीन लाइन के ऊपर आपको ओके करना है। यहाँ देखें, डैशबोर्ड, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कमेंट्स, एनालिटिक्स, यहाँ पर पांच चीज़ें हैं और पांचों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन पांचों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे नज़दीक और सबसे ज़्यादा अहम है, एक तो ये एनालिटिक्स है जो इस एप्लीकेशन की जान है। हालांकि सबका काम होता है, सबकी ड्यूटी अलग अलग है, मैं सबको आपको बताने वाला हूं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को सीख गए, एनालिटिक्स को सीख गए, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है, आप बहुत गर्व करेंगे। तो इस चीज़ को आपको गौर से समझना है। तो चलिए सबसे पहले डैशबोर्ड के ऊपर हम ओके करते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड के ऊपर ये मेरे चैनल का नाम है मेकिंग मनी ऑनलाइन। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, 373 सब्सक्राइबर अब तक हो चुके हैं। अगर आपने भी अब तक हमारी वीडियो अब तक पहुंची है, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर इजाफा हो सके। तो ये सबसे पहले ये हमारा सब्सक्राइबर बतलाता है। उसके बाद ये देखें, एनालिटिक्स में ये वॉच टाइम, व्यूज, सब्सक्राइबर, ठीक है, ये डैशबोर्ड जो है और जो सबसे लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुआ है वो बतलाता है। मैं इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और यहाँ पर जो आप वीडियो अपलोड किए हैं तीन, उसको दिखाता है ये, ठीक है, ये डैशबोर्ड के अंदर। और जो कमेंट है वो कमेंट को शो करता है। तो ये डैशबोर्ड है, इस ऊपर डैशबोर्ड के अंदर ये चीज़ें ये शो करता है। सॉरी। उसके बाद हम चलते हैं तीन लाइन के ऊपर, ओके करते हैं। और यहाँ से ये वीडियो है, वीडियो के ऊपर जैसे हम ओके करते हैं
चलिए हम वीडियो के ऊपर ओके कर लेते हैं। तो जो भी आपने वीडियो अपलोड किया है, यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी आपने वीडियो अपलोड कर रखा है उस वीडियो के परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरी एक वीडियो है ये हाउ टू चेंज बर्थडे ऑन फेसबुक, मैं इस वीडियो के ऊपर ओके करता हूँ। ये मेरी वीडियो अच्छी चल रही है और जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो ये गो टू वीडियो एनालिटिक्स, यहाँ से आप इस वीडियो के एनालिटिक्स को देख सकते हैं। इस पर आप ओके करेंगे, ठीक है, मैं इस पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये 48 घंटे में कितने व्यूज़ इस पर आए हैं, वॉच टाइम 28 दिन में कितना आया है और ये व्यूज़ कितना आया है, ठीक है। लाइक डिसलाइक यूट्यूब सर्च से कितना आया है, ये डिस्कवरी है इसका, इसके डिस्कवरी में आप देख सकते हैं कि इंप्रेशन यूट्यूब ने कितना दिया 28 दिन के अंदर में, और इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट कितना है, और यूट्यूब सर्च से कितना आया है, एक्सटर्नल से कितना आया है, सजेस्टर से कितना आया है, ब्राउज फीचर से कितना आया है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हर हर वीडियो के एनालिटिक्स को आप देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो के अंदर जैसे कुछ चेंजिंग करना है, कुछ बदलना है, तो ये देखिए एक पेंसिल का निशान बना हुआ है, इस पर आप ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ से आप इसका जो ये टाइटल है, यहाँ से इसको, इस टाइटल को आप चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ तब्दीली करना चाहते कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का है, इसके अंदर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है। और ये टैग्स है इस वीडियो के, और ये प्लेलिस्ट है, अगर इसके अंदर आप कुछ तब्दीली करना चाहें तो आप कर सकते हैं वीडियो के अंदर। तो इस तरीके से आप वीडियो के को देख सकते हैं कि आपकी वीडियो कहाँ चल रही है, किस तरीके से काम कर रही है। तो हर हर वीडियो को आप देख सकते हैं, उसके थंबनेल को चेंज कर सकते हैं, टाटा को चेंज कर सकते हैं, और जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है उस तरीके से आप उस पर काम कर सकते हैं उस वीडियो के अंदर। तो चलिए ये तीसरा है प्लेलिस्ट, ये देखिए ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के ऊपर हम ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे तो मैंने अब तक 4 प्लेलिस्ट बना रखा है, एक है फेसबुक पेज, दूसरा है यूट्यूब वीडियोस, तीसरा है यूट्यूब थंबनेल, और चौथा है प्ले स्टोर। चलिए प्ले फेसबुक पेज के ऊपर सबसे पहला है ऊपर, उसको ओके करते हैं। तो ये जितनी वीडियो हमने इस ये के अंदर रखा है, यहाँ से इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से इसके एनालिटिक्स देख सकते हैं किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो ये जो प्ले स्टोर है, सॉरी जो प्ले लिस्ट है, उसको यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसके अंदर कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं, जैसे इसका नाम मैंने फेसबुक रखा है, तो आप इसका नाम अगर बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर आपको इख्तियार दिया गया है। तो ये तीसरी चीज़ थी, यानी प्लेलिस्ट को। अब कमेंट देख लेते हैं, ये चौथी चीज़ है कमेंट, यहाँ से ये कमेंट है, आप कमेंट के ऊपर ओके करेंगे, और जितने लोगों ने आपको कमेंट किया है ये तमाम कमेंट्स दिखाई देंगे आपको, ठीक है। यहाँ से किसी कमेंट का आपको जवाब देना है तो उस कमेंट के ऊपर ओके करेंगे, और यहाँ पर जा करके ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, ये देखें, इस पर ओके करेंगे, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, और यहाँ से इस कमेंट का जवाब रिप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं पहले से कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो हर कमेंट को आप देख सकते हैं किसने आपको कमेंट किया है, किस तरीके से किया है, और यहाँ पर हर कमेंट के नीचे आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा है, ये देखें ये 3 डॉट है, इस पर आप ओके करेंगे, इस कमेंट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, रिपोर्ट स्पैम कर सकते हैं, हाइड यूज़र फ्रॉम चैनल, इसको आप छुपा सकते हैं। तो इस पर बहुत से काम आप कर सकते हैं कमेंट के अंदर। तो ये चौथी चीज़ थी हमारी। अब इस वीडियो का की जो जान है, इस वीडियो की जो पहचान है, और इस एप्लीकेशन का जो मगज़ है, रूह है, वो एनालिटिक्स है। ये जो नीचे वाला है एनालिटिक्स,
ये सबसे ख़ास है और सबसे अहम जो चीज़ है और सबसे मुफीद जो चीज़ है वो एनालिटिक्स है। इस पर हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये देखें ये क्या क्या चीज़ें हमें बताता है। यहाँ देखें रियल टाइम व्यूज़, ठीक है, यानी 48 घंटे के अंदर मेरे पूरे चैनल के ऊपर 55 व्यूज़ आए हैं, ठीक है, ये 55 व्यूज़ आए हैं। और जैसे मैं इस पर ओके करता हूँ तो ये ऐसा कमाल देखे, जहाँ मैं कर्सर ले जाऊँगा वहाँ पर ये तारीख दिखलाएगा कितने तारीख को और कितना बजे कितने मिनट के ऊपर कितना ये कितना व्यूज़ आया है। ये देखिए जहाँ जहाँ मैं ले जाऊँगा वहाँ वहाँ से ये रिपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे 48 घंटा है तो आप 60 मिनट का देख सकते हैं, ठीक है, ये नहीं शो कर रहा है। आप 7 दिन का देख सकते हैं, यहाँ से आप 90 दिन का देख सकते हैं, ठीक। तो आप यहाँ से रियल टाइम व्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए रियल टाइम व्यूज़ लास्ट पब्लिश वीडियो, जो आपने 5 जो हालिया वीडियो अपलोड किया है उसको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है, कौन सी वीडियो आपकी अच्छी चल रही है, तो यहाँ से इसको देख सकते हैं आप। ये देखिए वॉच टाइम मिनट, ये 28 दिन के अंदर मेरे 2250 वॉच टाइम मिनट मिला है, ठीक है, और 28 दिन के अंदर जो व्यूज़ आए हैं वो 1169 आए हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। एवरेज व्यू ड्यूरेशन 28 दिनों के अंदर जो मेरा है 1 मिनट 55 सेकेंड, तकरीबन मेरे जो चैनल के ऊपर जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो तकरीबन 2 मिनट के करीब है, 2 मिनट थोड़ा सा कम है। और यहाँ पर सब्सक्राइबर कितना आया है, कितना ये है, 28 दिनों के अंदर 11 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, ठीक है। और ये लाइक और डिसलाइक है कितना ये है। और टॉप वीडियो देख सकते हैं आप, मेरी सबसे जो अच्छी वीडियो चल रही है वो रिजल ऐप पेमेंट प्रूफ है ना, वो 28 दिनों के अंदर उस पर 472 मिनट वॉच टाइम इस पर है। और एक इमो न्यूज सेटिंग है 259 है। उसी तरीके से और भी वीडियो मेरी है। तो ये ओवरव्यू आप देख सकते हैं, ये ओवरव्यू के अंदर है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप देख सकते हैं। ये डिस्कवरी, ये देखिए डिस्कवरी है ये, और ये जान है इसकी, ये एनालिटिक्स की ये जान है, इसमें आपको हर चीज़ बताई जाएगी। तो जब आप डिस्कवरी के ऊपर ओके करेंगे तो ये देखिए 28 दिनों के अंदर YouTube ने 17,237 लोगों तक इम्प्रेशन भेजा है। ये बहुत बड़ा मार्का है, ये बहुत बड़ा मार्का है और इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो YouTube ने 17,237 लोगों तक एक महीने के 28 दिनों के अंदर इम्प्रेशन भेजा है, जिसमें से 4.5% लोगों ने 4.4 यानी तकरीबन 4.5% लोगों ने इस पर इम्प्रेशन के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। अच्छा, ट्रैफिक सोर्स टाइप्स, मेरे जो ट्रैफिक आ रहा है मेरे चैनल के ऊपर जो व्यूज़ आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, ये देखिए ये कमाल, लास्ट 28 दिनों के अंदर ये यूट्यूब सर्च से मुझे 44% मिला है, ठीक है, व्यूज़ मिले हैं ये 44%। ये मार्का आप देख सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि यूट्यूब कह रहा है। ये बहुत बड़ा जो मेरा चैनल है, जितने मेरे कम सब्सक्राइबर हैं उस एतबार से बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि 44% मेरी जो ट्रैफिक आ रही है वो यूट्यूब सर्च से आ रही है। अच्छा, दूसरा देखें ये सजेस्टेड वीडियोस कितनी आ रही है, 19.6, तकरीबन 20% 19.5% ये ट्रैफिक जो हमें मिल रहा है वो सजेस्टेड वीडियो से मिल रही है, यानी जब भी लोग कोई वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा आ रही है। एक्सटर्नल भी है, यानी बाहर से जो आता है, फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर वगैरह से आती है, मैं काफ़ी शेयर करता हूँ अपनी वीडियो को, तो वहाँ से 14% मेरी ट्रैफिक आती है। ब्राउज फीचर, लोगों के होम स्क्रीन के ऊपर तकरीबन 10-10% शो होता है और अदर के ऊपर ये 12% है। ये टॉप एक्सटर्नल सोर्स जो है वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, इंस्टाग्राम वगैरह है। ये टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स है ना, मेरी सबसे ज़्यादा जो सर्च वीडियो हो रही है ये जो हो रहा है जो कीवर्ड वो हाउ टू चेंज बर्थडे फेसबुक इस तरीके से, और जो सजेस्टेड कर रही है वो ये वीडियो कर रही है। तो इस तरीके से आप अपने हर हर वीडियो का अपने चैनल का देख सकते हैं
कि आपके चैनल के ऊपर कौन सी वीडियो अच्छी चल रही है, अच्छी परफॉर्म कर रही है, और उसको यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें उसके बाद ऑडियंस है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जेंडर है, ये 100% जो मेल है, मर्द है, हमारी वीडियो को देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये एज दिखाता है, ये 18 से 24 साल के लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ। इसलिए कि जो नई नस्ल है वो हमारी वीडियो को ज़्यादा देखती है। अच्छा, ये टॉप कंट्रीज़ हैं, उसमें इंडिया 65% है, बहुत बड़ा मार्का है, और थोड़ा सा इंडोनेशिया के लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, यहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। और इंटरेक्टिव कंटेंट, ये मुझे समझ में तक नहीं आया क्या है ये। और यहाँ से प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट के ऊपर कौन सी वीडियो आपकी अच्छी परफॉर्म कर रही है। मेरी यूट्यूब वीडियो से ये 56 मिनट वॉच टाइम आया है और बाकी से कम आए हैं। तो इस तरीके से ये यूट्यूब स्टूडियो को आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास और अहम रही होगी, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल मेकिंग मनी ऑनलाइन पर नए हैं, पहली मरतबा हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप अपनी आरा से, अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।